50,000 से अधिक की आबादी वाली नगर पंचायत पागबड़ा इन दिनों स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। दिल्ली रोड पर बसी नगर पंचायत पागबड़ा कहने को तो ऐसी नगर पंचायत है जहां पर दो दो यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेज और 5-स्टार होटल इस नगर पंचायत पागबड़ा की शान में 4 चांद लगा रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो नगर पंचायत पागबड़ा में स्वास्थ्य सेवा को अनदेखा किया जा रहा है। प्रदेश की पूर्व सरकार द्वारा नगर पंचायत पागबड़ा के स्वास्थ्य केंद्र को 3 एम्बुलेंस क्षेत्र के जनता की सुविधाओं के लिए उपलब्ध कराई गई थी ताकि स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पागबड़ा की जनता को मिल सके। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला और वक्त बदलते ही स्वास्थ्य विभाग ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे पागबड़ा की जनता के लिए सौंपी गई ये 3 एम्बुलेंस अब कूड़े के ढेर में तब्दील होती जा रही हैं। आपको बताते चलें कि इन एम्बुलेंस को पागबड़ा स्वास्थ्य विभाग को इसलिए सौंपा गया था कि मरीजों को पागबड़ा से मुरादाबाद या दिल्ली हाई सेंटर जाने के लिए किसी को कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। लेकिन वक्त बदलने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा ही इस ओर अनदेखी की गई। पागबड़ा के स्वास्थ्य केंद्र पर खड़ी एम्बुलेंस अभी भी अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। खड़े खड़े टायर्स की हवा भी निकल चुकी है लेकिन कोई भी इस ओर देखने वाला नहीं। पागबड़ा की जनता स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं के लिए तरस रही है। स्वास्थ्य विभाग इस ओर कब ध्यान देगा कोई नहीं जानता, लेकिन विभाग की अनदेखी के चलते पागबड़ा स्वास्थ्य केंद्र पर खड़ी एम्बुलेंस की गाड़ियां कंडम होकर कूड़े के ढेर में तब्दील होती जा रही हैं। अगर हम आबादी की बात करें तो पागबड़ा की आबादी जैसी नगर पंचायत को कम से कम 2 स्वास्थ्य केंद्र और मिलते चाहिए, लेकिन यहां पर एक ही केंद्र है उसको भी अनदेखा किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने जब इस बाबत एक स्थानीय समाजसेवी अब्दुल रशीद अंसारी से बात की तब उन्होंने बताया, जी मैं एक समाजसेवी हूं, पागबड़ा में रहता हूं। जैसे आज अस्पताल पहुंचे हो, अस्पताल में क्या देख रहे हो, अभी क्या व्यवस्था है अस्पताल की? अस्पताल में ये देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की जो शुरुआत है वो बहुत अच्छी है। जो 15 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीन वगैरह लगाने का जो प्रोग्राम इन्होंने रखा है या कर रहे हैं बहुत अच्छी पहल है। कितनी आबादी होगी पागबड़ा की आपकी? पागबड़ा की आबादी लमसम 1 लाख के करीब है। इतनी आबादी पे कितना बड़ा अस्पताल चाहिए पागबड़ा की जनता को? इसमें PIC की जगह CIC होना जरूरी है और जिसे एम्बुलेंस मिलनी चाहिए, और हमारे यहाँ एम्बुलेंस है भी तो वो बीमार पड़ी है और देख सकते हैं आप। क्या मांग करोगे सरकार से आप? मैं सरकार से मांग करूँगा कि इसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से इसे अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए और जिससे लोगों की समस्याएं दूर हों और जो लोग परेशान हैं, गरीब गुरबा हैं बेचारे, वो इससे फायदा उठा सकें।